हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी बोर्ड के लिए जो सिलेबस 20 और 21 के लिए गवर्नमेंट ने दिया है 30% जो कट किया हो कैसे, तो उसके लिए फिजिक्स का सिलेबस आज हम उनको बता रहे हैं। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको जरा अच्छे से समझ लें कि उन्होंने क्या क्या, कोई पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं काटा है, चैप्टर के बीच से जो चीजें यूज की नहीं थी कुछ चीजों को कट कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल, हाँ चार्ज हॉलो स्फेरिकल सेल एक टॉपिक था। गॉस थ्योरम को लेकर प्रूव करना था कि चार्ज हॉलो स्फेरिकल सेल के इनसाइड आउटसाइड एट द सरफेस, ठीक है, कितनी फील्ड होती थी, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज हॉलो स्फेरिकल सेल बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड एंड एट द सरफेस। सेकेंड यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत थोड़ा हटाया गया है। कलर कोड, कार्बन का कलर कोड जो सरल एक टॉपिक था, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ये दो यूनिट ऐसी थी, इनसे बहुत थोड़ा थोड़ा हटाया गया, इससे एक टॉपिक हटाया गया, इससे दो टॉपिक को हटा दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 मार्क्स की आती है, इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स की आती है। लेकिन जो टफ यूनिट थी, थोड़ी सी कठिन लगती थी बच्चों को, उसमें काफी छूट दी गई है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेट जो थर्ड यूनिट थी, उसमें फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे या एट एनी पॉइंट पे। देखिए समझिएगा, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कहां पर? एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे या एट एनी पॉइंट पे। इस टॉपिक को हटा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अक्सर पूछा जाता था पेपर में, इसको हटा दिया गया। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क क्या है, इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशन को, ये डेरिवेशन था, इस डेरिवेशन को हटा दिया गया, ये भी डेरिवेशन था ऊपर वाला, इसमें एक्सिस का भी था, इक्वेटोरियल का था और एट एनी पॉइंट, इसको हटा दिया गया। इसके बाद जो थ्योरेटिकल टॉपिक था और इजी भी था, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक, इसका प्रिंसिपल और इसका यूज, ये सब चीजें हटा दी गई है। और परमानेंट मैग्नेट, डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक, इसको हटा दिया। यूनिट थर्ड से कह सकते हैं तो 5-6 टॉपिक्स हटा दिए गए। ये यूनिट थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कठिन लगती थी लोगों को, लेकिन अब बहुत रियायत दे दी गई है। और ये कितने मार्क्स की आती है? 8 मार्क्स की आती है। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट, उससे सिर्फ दो चीजें हटाई गई, ये दो चैप्टर बनते थे अलग अलग, यूनिट एक ही होती थी, सिर्फ उसमें पावर फैक्टर ऑफ सर्किट के जो पावर फैक्टर थे उसको हटा दिया गया। और एक छोटा सा टॉपिक था, डेफिनेशन में कह सकते हो वाटलेस करंट, उसको हटा दिया गया, बाकी सारी चीजें हैं, बाकी सब कुछ पढ़ना है। यूनिट 5 जो 4 मार्क्स की थी, एक ही चैप्टर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब लोग जानते इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, इसमें करंट के टाइप थे, डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसको हटा दिया गया है, कि डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या हो सकता है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया, मतलब कंडक्शन करंट आपको अभी भी पढ़ना है। जो सेक्शन ए था, ये यूपी बोर्ड के साथ सेक्शन ए माना जाता था, जब अलग अलग पेपर, दो पेपर होते थे अलग अलग 35 मार्क्स का, तो ये 35 मार्क्स का सेक्शन ए है। सेक्शन बी भी 35 मार्क्स का, इसकी सबसे बड़ी यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, प्रूविंग इसको हटा दिया गया, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन हटा दिया गया, सनशाइन एंड सनसेट क्या है, सूर्यास्त सूर्योदय के समय क्या होता है, ये टॉपिक हटा दिया गया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग विभेदन क्षमता क्या है,
पर रिजोल्विंग पावर क्या है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इसको हटा दिया गया। लेकिन याद रखिएगा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं हटाया गया है, रिजोल्विंग पावर का फैक्टर हटा दिया गया है। मतलब हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये कितने मार्क्स की है, 13 मार्क्स की है। उसके बाद इसमें कुछ टॉपिक के अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, जैसे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के जो चैप्टर बीच में आते थे ऑप्टिक्स में, वो नहीं कुछ किया गया, लेकिन पोलराइजेशन हटा दिया गया। पोलराइजेशन में ब्रूस्टर ला था, यूज ऑफ पोलराइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बोर्ड का, पोलराइड को हटा दिया गया। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो कॉन्सेप्ट था हटा दिया गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हटा दिए गए, ब्रूस्टर ला जो अक्सर पूछते थे और पोलराइड क्या है ये अक्सर पूछा जाता था, तो इसको बोर्ड ने इस बार हटा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मैटर का ड्यूल नेचर क्या है, ठीक है, एज अ वेव, एज अ रे, एज अ पार्टिकल। तो उसमें एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं हटाया गया, हमको प्रिंसिपल याद रखना है, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं याद रखना। डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट दिया उसका प्रिंसिपल क्या था ये है सिलेबस में, लेकिन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें उसमें हटा दी गई है। डेविसन और जर्मर का जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमको याद रखना है, लेकिन हमको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं याद रखनी। ठीक है, इतना रियायत दी गई है। उसके बाद एटम और न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई है, यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा का जो प्रॉपर्टी थी अल्फा बीटा गामा वो हटा दी गई है, रेडियो एक्टिव डीके ला है उसको हटा दिया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादातर टॉपिक आपने केमिस्ट्री में सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला हुआ करता था, मास डिफेक्ट चेंज विद एनर्जी ला, जब बाइंडिंग एनर्जी को हटा दिया है तो मास डिफेक्ट का कोई यूज बचा नहीं, क्योंकि मास डिफेक्ट को सॉल्व करके ज्यादातर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ही निकालते थे। तो ये फिर भी टॉपिक आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये हटा दिया गया है, कुछ टॉपिक जिसमें हटा दिए गए हैं ये टॉपिक जो लिखे हैं, बाकी इससे सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, हमारी जो रिएक्शंस होती थी चेन रिएक्शंस, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड, ये सारे टॉपिक हैं। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जेनर डायोड एज अ एम्पलीफायर। जेनर डायोड क्या है और उसका एम्पलीफायर के तरीके यूज क्या होता है वो टॉपिक हटाया गया। इसके अलावा पी टाइप, एन टाइप, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएन हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर, ये सारे टॉपिक हैं। सिर्फ एक जेनर डायोड और जेनर डायोड एज अ एम्पलीफायर ये टॉपिक हटा दिया गया है। अब कुल मिला के इस बार पेपर देने में हम लोग 90% तो अबव ला ही सकते हैं, क्योंकि पहले 100% में 90% लाना था, अब तो 70% में लाना है, सिलेबस 30% कम हो गया। तो इजी है, कुछ टॉपिक जो कठिन हुआ करते थे वो हटा भी दिए गए। पेपर इस बार सरल भी आने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसी दशा है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जेई ने और नीट ने अपना सिलेबस कम नहीं किया है। तो जिन बच्चों को लगता है कि जेई और नीट का एग्जाम देना है उनको सारी चीजें पढ़नी होंगी, और जिनको लगना है नहीं सिर्फ मुझे क्लास 12th को ही पास करना है और 12th में ही मेरी कुछ मार्किंग अच्छी आ जाए, तो वो इतने टॉपिक को हटाकर पढ़ सकते हैं जिससे उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ये सिलेबस है आपका, इसको नोट कर लीजिए।